हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाला हूँ क्वाडकॉप्टर का 450 mm का फ्रेम। ये फ्रेम बनाना बहुत ही इजी है और इस फ्रेम का जो कॉस्टिंग है ये बहुत ही कम है। ओनली 100 रुपीज़ में आपका ये फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा और बहुत मजबूत भी होगा। देखिए, मैं दो एलुमिनियम पाइप लिया हूँ। एलुमिनियम होता भी है, बहुत लाइट वेट। दोनों 20 इंच का साइज है ये दोनों पाइप का। ये दोनों पाइप का मिडिल में मैं देखिए कट करके रखा हूँ, क्योंकि इसे क्रॉस शेप में मैं बैठाने वाला हूँ, इसलिए मैंने कट कर लिया है दोनों पाइप का बीच में। इस तरीके से मैं क्रॉस शेप में देखिए बैठा दिया, तो इससे क्या होगा, ये मजबूत होगा ये कट करने से। तो इसके बाद मैं इसमें होल करूंगा। इसके बाद देखिए इसका मिडिल जो है एकदम सेंटर में मैं होल कर रहा हूँ। स्क्रू से मैं टाइट कर दूंगा ताकि ये और मजबूत हो जाए। देखिए, एक हाथ से मैं कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ और एक हाथ से मैं ये फ्रेम भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये एलुमिनियम का स्टिक है, दो स्टिक। इसे मैं लैंडिंग के लिए यूज़ करूँगा। तो लैंडिंग के लिए यूज़ करने के लिए इसे मैं, ये भी साइज़ है 20 इंची का साइज़ है दोनों स्टिक का, क्योंकि मैं लैंडिंग का हाइट थोड़ा ज़्यादा रखने वाला हूँ। ये देखिए, मैं कट करके रखा हूँ, यहाँ पर चारों तरफ कट है इसका। जो कट देख रहे हैं, इस कट से होगा फोल्ड, ये फोल्ड हो जाएगा इस कट से, इसलिए मैंने कट करके रखा है। देखिए, फोल्ड होने के बाद ये ऐसे देखने में लगता है। अब इसे हम क्या करेंगे, स्क्रू से जाम कर देंगे। अब हम इसे स्क्रू से अटका देंगे दोनों। देखिए, ये भी स्क्रू से यहाँ पर अटकेगा और वो वहाँ पर। देखिए, मैंने स्क्रू से अटका दिया है। अटकाने के बाद अब देखिए ये देखने में कैसा लग रहा है, ये बहुत ही मजबूत भी हो चुका है और लाइट वेट भी है बहुत। तो एलुमिनियम फ्रेम से अगर आप बनाते हैं तो ये बहुत ही मजबूत होगा। देखिए, मैंने मोटर को कैसे इंस्टॉल किया है। मोटर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने सिर्फ दो छेद किए हैं इसमें, उसे नट बोल्ट से जाम कर दिया हूँ। और नट बोल्ट को खोलने के लिए देखिए, फिर से अगर मोटर को खोलना पड़े तो इसके लिए मैं दो बड़ा छेद करके रखा हूँ, ताकि इससे स्क्रू को अंदर देकर नट को खोल सकूँ। इस जगह में आप कोई कार्डबोर्ड या फिर एलुमिनियम शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैं इसी को लगा दिया इसमें, तो इससे और भी मजबूत होता है इसके ऊपर सीट लगाने से। अब देखिए, इसमें सब असेंबल हो चुका है हर पार्ट्स। तो अब इसका फ्लाइट करने का टाइम आ चुका है। अब फ्लाइट करके देखेंगे इसका स्टेबिलिटी कैसा है और वाइब्रेशन कितना कम आता है इसमें, क्योंकि फ्रेम बहुत मजबूत हो चुका है तो वाइब्रेशन भी कम आना चाहिए। तो देखिए, इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम है। मैंने इसमें कोई गिम्बल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक्शन कैमरा है इसमें, तो वाइब्रेशन बहुत कम है और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है इस फ्रेम का। अगर आप मेरे चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो छोड़ूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें।